लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। जद्दा से आने वाली पहली परवाज कुछ देर बाद लैंड करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तमाम एयरलाइंस को परवाजें रीशेड्यूल करने। मुसाफिरों को सफर से पहले मुतलका एयरलाइंस और इंक्वायरी स्टाफ से राब्ता करने की हिदायत। चार रोज में 700 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासर हुई। 1 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को अजियत का सामना रहा। शहर में बादलों के डेरे, कई इलाकों में रिमझिम। ठंडी ठंडी हवाओं से ठंड भी बढ़ गई। आज वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। शहर का मौसम क्या पलटा, आवाम फिर तवानाई बहरान में फंस गई। कई इलाकों में सुई गैस गायब, कहीं प्रेशर कम, बिजली की आंख मचोली भी जारी। शहरी छुट्टी के रोज भी मुसीबत का शिकार। अहले लाहौर को चौके छक्के देखने को मिलेंगे या नहीं, पाक भारत कशीदगी। PSL पर खदशात के बादल मंडलाने लगे। लाहौर के मैचेस कराची मुंतकल करने की तजवीज। कजाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल होंगी या नहीं, फैसला आज मतवक्के। तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी। शायकीन मैच देखने के ख्वाहिशमंद। PSL को लाहौर से कराची मुंतकल करने में कोई सच्चाई नहीं। मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, तर्जुमान PCB। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले को 10 बरस बीत गए। दहशतगर्दों ने लिबर्टी गोल चक्कर पर लंकन टीम के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने सीनों पर गोलियां खाकर हमले को नाकाम बनाया। हमले में 5 अहलकार शहीद और श्रीलंकन टीम के 6 खिलाड़ी जख्मी हुए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और सियासी अमूर पर मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी साबिक चेयरमैन PCB जका अशरफ की साहबजादी की शादी में शरीक भी होंगे। अवाम महंगाई के घेरे में, सब्जी सस्ती है न फल, मुर्गे के गोश्त को भी लग गए पर। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, हर शय को लगी है आग। टमाटर ने पहले सेंचुरी मारी, अब कीमत और भी भारी। 120 रुपए में फरोख्त लहसुन अदरक, 166 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पूरी, हलवा, सिरपाए और नान चने का भी मजा। रिमझिम और सर्दी भी लाहौरियों के आड़े ना आ सकी। छुट्टी के रोज मन पसंद खाबों की दुकानों पर पहुंच गए और जी भर कर खाबों पर हाथ साफ किया। क्रिकेट दीवानों ने सड़कों पर विकेटें लगा ली और खूब चौके छक्के लगाए।